आम में लगने वाला प्रमुख कीट मैंगो स्टेम बोरर, आम का तना छेदक। यह कीट आम के पेड़ों में खासकर तनों को, मेन स्टेम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आम की खेती करने वाले किसानों के लिए यह बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि यह कीट पेड़ में अगर लग जाए तो लगभग उस पेड़ को सुखा कर या मारकर ही छोड़ता है। पेड़ के पूरे तने को खोखला बना देता है, सड़ा देता है। इसलिए इसे नियंत्रित करना, पेड़ से निकालना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। और यह तना छेदक कीट आम के अलावा बहुत सारे दूसरे फल वृक्षों में भी देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको पहले इस कीट की पहचान एवं कुछ सामान्य जानकारी दूंगा, बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि पेड़ के तनों में लगे इस बोरर को कैसे निकाला जाता है। बाद में उसकी ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह सब कुछ देखेंगे, इसलिए वीडियो की लंबाई थोड़ी सी बढ़ सकती है। ओके, ये मामूली समस्या नहीं है, मामला गंभीर है। आपने इस कीट को अनदेखा किया तो आपका पेड़ गया समझो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आम में लगने वाला स्टेम बोरर तना छेदक, जिसका साइंटिफिक नेम है बेटोसेरा रूफोमैक्युलेटा, यह कीट पूरे भारतवर्ष के साथ साथ फलों की खेती करने वाले लगभग सभी देशों में देखने को मिल जाता है। यह कीट आम के अलावा अंजीर, कटहल, पपीता, सहतूत, सेब जैसे फल वृक्षों में भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पहचान की बात करें तो इसके प्रौढ़ का शरीर हल्का पीला या भूरे राख के रंग का होता है, और इनके पंख एवं शरीर के ऊपर ऑरेंज कलर के धब्बे भी देखने को मिलते हैं, और इनकी टांगे एवं एंटेना लंबी होती है। कुल मिलाकर प्रौढ़ की साइज 5 से 8 सेंटीमीटर जितनी हो सकती है। इस कीट की मादा पेड़ों के तने एवं शाखाओं की दरारों में अंडे देती है, और इसके लार्वा मई जून या बरसात की शुरुआत में अंडों से बाहर निकलते हैं, और यहीं से शुरू होता है खतरनाक खेल। आपको सब कुछ दिखाऊंगा, आप देखकर यकीन नहीं कर पाओगे कि इतना सा कीट इतना ज्यादा नुकसान भी कर सकता है। देखिए, यही है इस स्टेम बोरर की सुंडी, ग्रब या गिदार, जिसका रंग सफेद मटमैला या क्रीम कलर का होता है। इसके शरीर की रचना कुछ स्प्रिंग टाइप की होती है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर से लेकर पूरी तरह से विकसित ग्रब 10 सेंटीमीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। हार्ड लकड़ी को भी काट सकता है, सो इसके मुखांग शरीर के मुकाबले मजबूत और पावरफुल होते हैं। यूं तो यह कीट साल में कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अटैक मानसून या मानसून के तुरंत बाद देखने को मिलता है, और इसका वर्ष में केवल एक ही वंश होता है। इस कीट के लार्वा शुरू में तने की छाल के पीछे का हिस्सा खाते हुए नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और मुख्य तने में छेद करके अंदर तक भी प्रवेश कर जाते हैं। अंदर के भागों को खाते हुए आगे बढ़ता है और तने में एक सुरंग सा बना देता है। पेड़ के तने को अंदर से पूरी तरह से खोखला बना देता है। पेड़ की जल वाहिनियाँ डैमेज होने से शाखाएं सूखने लगती हैं। ज्यादा हवा चलने से शाखाएं टूट भी सकती हैं। इसका प्रकोप ज्यादा होने पर आखिर में पूरा पेड़ सूख कर मर जाता है। अब मैं आपको इन खतरनाक कीड़ों को पेड़ से निकाल कर दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस कीट को शुरू में हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यह कीट जब नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है तभी हमें पता चलता है। और यह लार्वा छाल के नीचे या तने के अंदर होने से आप ऊपर कितना भी दवाइयों का स्प्रे कर दो, इसे असर होने वाला नहीं है। इसे छाल काट कर मैकेनिकल ऑपरेशन के जरिए ही निकालना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि तने में यह बोरर लगा हुआ है, तो जरा इसे देखिए। आपको बाग में एक लाइन पकड़कर पूरे बाग में चक्कर लगाना है, और जिन जिन पेड़ के तनों के पास में ऐसा लकड़ी का बुरादा या लकड़ी का चूरा निकला हुआ दिखाई दे, तो समझ जाइए कि पेड़ में कहीं पर भी स्टेम बोरर लगा हुआ है। यह कीट ऐसा बुरादा निकालता हुआ आगे बढ़ता है, तो हमें यही चेक करना है। लकड़ी का चूरा निकला हुआ दिखता है तो कीट 100% लगा ही है। ओके, तने को ध्यान से देखने पर सड़ा हुआ टाइप का और छेद छेद भी दिखेंगे, और छाल को इस प्रकार से दबाने पर आपको नरम सा सॉफ्ट लगता है। ऐसा दिखने पर हमें छाल को किसी धारदार औजार से धीरे धीरे करके उतारते जाना है। अंदर काला भूरा सड़ा हुआ टाइप का दिखेगा। यह देखिए दोस्तों, साहब यहाँ पर छिपे बैठे हैं।
देखिए कैसे अंदर छुपने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। देखिए यह कीट ऐसा स्प्रिंग टाइप का दिखता है। इतना सा कीट और नुकसान कितना भारी करता है। नुकसान देखकर तो लगता है कि इसमें एक नहीं दो तीन पक्के होंगे। तो छाल को उतार कर चेक करते हैं। देखिए अंदर से पूरा कैसे सड़ा दिया है। अब पीछे की साइड देखते हैं। इस प्रकार से छाल को उतारते जाना है। यह देखिए दोस्तों, दूसरा भी मिल गया। जितनी छाल सड़कर काली पड़ गई है उसे तो पूरा निकाल ही देना है। यह देखिए तीसरा भी लगा हुआ है। देखिए नीचे की साइड एक और है। आप इस प्रकार से खराब छाल को पूरा निकालोगे तभी इस कीड़े को ढूंढ पाओगे। एकाधा भी छूट गया तो भी नुकसान तो करने ही वाला है। इतने ज्यादा कीड़े लग जाए तो छाल की चिंता किए बिना कीड़ों को निकालने के बारे में ही सोचिए। नहीं निकालोगे तो भी पेड़ तो वैसे भी मरने वाला है। नीचे का चारों ओर से चेक हो गया। अब ऊपर देखते हैं क्योंकि ऊपर भी नुकसान हुआ लगता है। देखिए यहाँ पर भी लार्वे का काला मल दिख रहा है, मतलब कि कीड़ा यहाँ पर भी होना चाहिए। इस प्रकार से धारदार औजार से छाल को निकालते जाएंगे। है दोस्तों यहाँ पर भी, निकालते हैं इसे भी। अब पूरा पेड़ चेक हो जाने के बाद तने के ऊपर चारों ओर दवाई का स्प्रे कर देना है ताकि अंडे छोटे लार्वा भी नष्ट हो जाए। पूरे तने को भिगो देना है। दवाई ले सकते हो क्लोरोपाइरीफोस की 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। नुकसान ग्रस्त पूरे हिस्से को दवाई से भिगो देना है जिससे तने में लगी चींटियां दीमक वगैरह भी नष्ट हो जाए। ये काम तुरंत करना है और बाद में छाल उतारे तने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर बोर्डो पेस्ट का लेप अवश्य लगा देना है जिससे फंगस जनित बीमारियां लगने का भी चांस ना रहे। कीड़ों ने इसकी छाल बहुत ज़्यादा डैमेज कर दी है लेकिन धीरे धीरे से रिकवर हो जाएगी। सिर्फ फंगस से बचाना है सो पेस्ट अवश्य लगाना है। ओके, इन कीड़ों को निकालना आसान था क्योंकि वो छाल में ही थे, अभी तक तने में प्रवेश नहीं किया था। लेकिन अब जरा इसे देखिए, ऐसे केसेस भी सामने आएंगे जिसमें यह कीट तने में सुरंग बनाकर अंदर तक चला जाता है। ऐसे हालात में लोहे का तार या साइकिल व्हील का स्पॉक तार भी आप यूज कर सकते हो। तार जहां तक जाता है उतना छेद में डालकर छेद को साफ कीजिए। तार ग्रब को लग गया तो वो मर भी जाएगा लेकिन उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करनी है। देखिए इस प्रकार से तार को आगे से थोड़ा सा मोड़ कर हुक बनाकर डालेंगे तो कीट तार में जरूर फंस जाएगा। देखिए मर चुका है। इसे देखिए, आपको ऐसी सुरंग भी देखने को मिलेगी। पहले तो होल को अच्छे से साफ कर दीजिए, बाद में तार का सिरा मोड़ कर हुक बनाइए और तार को होल में जहां तक जाए वहां तक जाने दीजिए। ये देखिए कीट इस प्रकार से हुक में फंस कर बाहर निकल आएगा। और अगर आप इस ग्रब को ना निकाल पाओ तब क्या कीजिए, छेद को फिर से अच्छे से साफ कर देना है और बाद में इंजेक्शन वाले सिरिंज में भरना है केरोसिन या पेट्रोल, और छेद के अंदर केरोसिन को सिरिंज की मदद से भर देना है। बाद में लीजिए थोड़ी सी रुई कॉटन और उसे केरोसिन या पेट्रोल से अच्छे से भिगो दीजिए। अब केरोसिन या पेट्रोल में भिगोई इस रुई को तार की मदद से छेद के अंदर तक डाल देनी है और आखिर में इस सुरंग या होल को गीली मिट्टी से अच्छे से दबाकर बंद कर देना है।
इससे क्या होगा, अंदर गैस उत्पन्न होगी और अंदर मौजूद यह कीट या उसके छोटे लार्वा वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। छेद दिखने पर इस ट्रीटमेंट को जरूर लागू कीजिए, बहुत ही कारगर, सस्ता और सुरक्षित उपाय है। इसके अलावा सुरक्षात्मक तौर पर लाइट ट्रैप का उपयोग करके इस कीट के प्रौढ़ को आकर्षित करके नष्ट किया जा सकता है। जैविक नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था में मेटाराइजम एनिसोपली या ब्यूवेरिया बेसियाना का प्रयोग करके इस कीट की आबादी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। असरग्रस्त और सूखी ब्रांचों को काटकर नष्ट कर दें ताकि उसमें मौजूद कीट के अंडे, प्यूपा वगैरह भी नष्ट हो जाए, और प्रभावित तनों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो पेस्ट का लेप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। खासकर मानसून में और मानसून के तुरंत बाद बाग में पेड़ के तने को जरूर चेक करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और आपको पसंद तो जरूर आएगी, क्योंकि इतने डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से शायद ही कोई बताएगा। तो वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर देते जाइएगा, और आप भी करते हो मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।